क्या लगता है इस पूरे मामले में, जिस तरह से पूरा मामला था? अलीगढ़ के मामले में मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे से यही मानती हूँ कि पुलिस और न्यायपालिका की लापरवाही, घोर लापरवाही और बहुत ही ज़्यादा मामले को बहुत हल्के में लेने की कोशिश की गई, उसके पर ध्यान नहीं दिया गया, एक्शन नहीं लिया गया। इवन उन लोगों ने जब कंप्लेंट रजिस्टर उनको शिकायत दर्ज कराने गए, उसके 30 घंटे बाद पुलिस ने कंप्लेंट फाइल करी है, रजिस्टर्ड करी है और उसके बाद वो बच्ची की शोध करी है। अब आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में वैसे भी नियम है कि 24 घंटे तक पुलिस आपकी फाइल रजिस्टर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती है, लेकिन 24 घंटे का समय आपको ये नहीं लगता है कि किसी भी महिला, युवती या बच्ची के साथ क्या नहीं हो सकता है? उसकी इज्जत, उसकी असमत, उसकी जिंदगी सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो हमारी कार्यप्रणाली में संशोधन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि न्यायपालिका की मैं घोर फेलियर इसलिए कह रही हूँ कि जो मेन अक्यूज्ड है, जो जिसने ये कांड किया है अलीगढ़ में, वो पहले अपनी खुद की डॉटर के साथ रेप के मामले में एक्यूज्ड रह चुका है और उसको न्यायपालिका से जमानत मिल गई थी। अब ऐसे हवशी दरिंदों को अगर सरकार, न्यायपालिका ऐसे खुला छोड़ देती है तो ऐसे तो केस होने ही हैं, वो आके समाज में दरिंदगी का तांडव फैलाएंगे ही। और उसके बाद पुलिस और गवर्नमेंट अपना दागी दामन छुपाने के लिए या लीपापोती करने के लिए 3 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे रही है, तो आप ये बताइए कि 3 लाख रुपए या 30 लाख रुपए से क्या वो बच्ची वापस आ जाएगी? उसने जो मरते समय जो कष्ट सहे, उसकी जो ज़िंदगी थी, आगे के जो साल वो जीती, इस दुनिया की सारी चीज़ें एंजॉय करती, वो 3 लाख रुपये उसकी कीमत आकी जा रही है। और मैं सबसे ज़्यादा तो आहत इस चीज़ से हूँ कि महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं, अभी महिला विकास मंत्री हैं, बाल उसमें बालकों का भी उनका देखना है, चाइल्ड के भी हैं, श्रीमती स्मृति ईरानी जो अमेठी से अभी चुनाव लड़के जीती हैं, और अमेठी में एक कार्यकर्ता की हत्या पे वो कांधा देने पहुंच गई थी, और यहाँ पे अक्यूज के अरे जो विक्टिम थी बच्ची ट्विंकल शर्मा, उनकी फैमिली के पास उनको जाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए क्या 5 मिनट का समय नहीं है? मुझे लग रहा है कि इलेक्शन ओवर हो गए हैं, जितनी नेताओं को सुर्खियां बटोरनी थी बटोर दी है, जितने पद उनको पाने थे वो उनके सारे एजेंडा अपने पूरे हो गए हैं, तो अब पब्लिक के साथ कुछ भी हो रहा है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत सारा शर्मनाक है और इसमें हमारा समाज, हमारे नेता, हमारी पुलिस, हमारी कार्यप्रणाली, हमारी न्यायपालिका, सभी लोग बहुत ज़्यादा दोषी है। और हम तो यही कहेंगे कि ट्विंकल शर्मा जैसी बच्चियां, हम आप लोगों के दोषी हैं और बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। मैम, एक गुजरात से जुड़ा हुआ मामला था, वहां पर भी एक बच्ची की डेथ हो जाती है आपसी रंजिश के झगड़े में। आपसी रंजिश में लोग किस हद तक गुजर जाते हैं, उसका भयानक तांडव तो हमें गुजरात में भी ये देखने को मिला है कि जो बच्ची के पिता थे उनकी आपसी रंजिश थी कुछ लोगों से, या मुझे लग रहा है कुछ काफ़ी मामलों में वो अभियुक्त हैं और कुछ शायद क्रिमिनल प्रवृत्ति के भी रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, उसी का ये परिणाम आया है उनके घर में। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, किसी भी तरह से सही नहीं है, अगर पुरुषों के साथ कोई रंजिश है तो समाज है, कानून है, पुलिस है, न्यायपालिका है, वो दूसरी तरह से अपने मामले या अपने विवाद समेट सकते हैं, लेकिन 5 लोग स्टिक लेके और एक लेडी के घर में घुसते हैं और 3 वुमन्स को मारते हैं आधी रात में और गुरुवार की रात में, मेघाणी नगर का, गुजरात का, ये अहमदाबाद का किस्सा है, और उसमें भी सिर्फ 20 दिन की बच्ची, जो 20 दिन पहले इस दुनिया में आई है, उसके सिर पे वो लोग लाठी से प्रहार करते हैं, स्टिक से प्रहार करते हैं और वो बच्ची की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो आप कहाँ का न्याय है? ये तो राक्षसों, दरिंदों का न्याय हो गया, ये इंसानों का न्याय कहाँ हो गया? तो मुझे तो लगता है कि अब समाज को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। हमारा देश तो फिर मुझे तो लगता है कि ऐसे हैवानों और दरिंदों के लिए जाना जाएगा, जो हमारी इंडियन कल्चर या हमारी पवित्रता या हमारी संस्कृति के लिए नहीं जाना जाएगा। इंडिया ये क्रुअलिटी और ये विभत्सता के लिए ही दुनिया में जाना जाएगा।